we have already learned that what our ethics mean and what our code of ethics are called now we are looking at why ethics are necessary in our life to be implemented ethical guidelines are vital in any psychological research in fact skibager koi research properly conduct ho hi sakti. ethics are the boundaries set in order to protect the participants from psychological harm क्योंकि जब भी कोई रिसर्च हम कर रहे हैं उसके अंदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं और उसके अंदर हार्म्स भी हो सकते हैं सो टू आइडेंटिफाई इफ द बेनिफिट्स आर मोर देन हार्म्स वी आर गोइंग टू कंडक्ट दैट रिसर्च फॉर द पार्टिसिपेंट्स लुकिंग एट इट्स एथिकल कोड एंड एथिकल इम्पॉर्टेंस इट इज़ साइकोलॉजिस्ट ड्यूटी टू इंश्योर दैट ऑल दीज गाइडलाइंस आर फॉलोड और वो हम अपनी रिसर्च में मैंशन करेंगे कि वो क्या गाइडलाइंस हैं और हमने उनको इंश्योर किया है या नहीं किया There are certain advantages to understand research ethics and concept of research ethics are to provide us with a structure for analysis. Means agar pehla structure ye hai ki we are going to inform the participant so yes, it's very important to take informed consent from all the participants and decision making. And finally to see that if we are going to give treatment and intervention to one group and we are not going to give it to the another group. सो वी हैव टू स्टैंडर्ड्स। फिर कुछ रिसर्च कुछ age group के पार्टिसिपेंट्स के लिए नहीं एथिक्स विल टेल अस कि अगर आप फास्ट ड्राइविंग का टेस्ट कर रहे हैं तो आप किस सर्टन एज के लोगों के लिए वो टेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि दैट्स नॉट गोइंगली सपोर्ट एंड रिमाइंड रिसर्चर्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन सब्जेक्ट अगेन इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम ह्यूमन सब्जेक्ट्स की वेलफेयर का हर सूरत ख्याल रखें जैसे अगर हम कोई वैक्सीनेशन के ट्रायल्स कर रहे हैं तो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ़ एग्जांपल जैसे हम सेवनटीन सेंचुरी में पहली दफ़ा वैक्सीनेशन जो थी इसके ट्रायल्स की बात हुई तो वो किस पर किए गए वो क्रिमिनल्स पर किए गए इस पर भी एक डिबेट है लेकिन हमें बहरहाल ये देखना था कि वैक्सीन पहले हम किस पर ट्राई करके देखेंगे अगर हम वो किसी ऐसे इंडिविजुअल पर ट्राई करके देख रहे हैं जिसे पहले ही डेथ सेंटेंस दिया जा चुका है उस पर अगर उसके कोई हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो हमें उसके लिए अपने आप को इतना गिल्टी फील नहीं करना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू कि हम कुछ इनोसेंट uh, लोगों के ऊपर उन वैक्सीन्स को ट्राई करें सो यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सी इफ एथिकली इट इज़ अप्रोप्रिएट और इट्स नॉट अप्रोप्रिएट देन डिफाइन द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन साइकोलॉजिकल रिसर्च आदर दे आर एनिमल्स आ इधर दे आर ह्यूमन बींग्स वी हैव टू सी अगर हमने उनको कोई ट्रीटमेंट दिया है अगर हमने उनकी कोई एनिमल्स को कोई क्लिनिकल प्रैक्टिस में कोई ड्रग दी है जिसको हमने बाद में ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है तो हम वहां पर देखेंगे कि क्या उस एनिमल को प्रॉपरली ट्रीट किया गया है या नहीं ऐसे ही तो नहीं हमने उसको डायसेक्शन टेबल पर छोड़ना हमने उसको बेसिकली प्रॉपरली ट्रीट करके हील करके देन वी हैव टू रिहेबिलिटेट दैट एनिमल सो इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ एनिमल्स एंड ह्यूमन सब्जेक्ट्स हाउ एथिक्स आर डिटर्मिन

और उसका नुकसान बहुत मिनिमम है तो ये वी आर गोइंग टू कंडक्ट दैट रिसर्च सो यू नो उसके बेनिफिट्स के साथ उसे कंपेयर करेंगे और हर रिसर्च रिसर्च में परसेंटेज रेशियो इट कुड बी डिफरेंट फ्रॉम इन द पोटेंशियल कॉस्ट इट अपीयर्स टू आउट आउटवेट एनी पोटेंशियल बेनिफिट्स देन द रिसर्च शुड नॉट बी प्रोसीडेड अगर किसी स्टेज पे हमें यह लगता है कि इस रिसर्च के पोटेंशियल हार्म्स सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल के लिए सब्जेक्ट के लिए ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इट्स यू नो बेनिफिट सो वी आर नॉट गोइंग टू प्रोसीड फॉर एनी सच रिसर्च ना वट डू वी मीन बाय बेनिफिट जब हम बेनिफिट की बात करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द वेरी वर्ड बेनिफिट अ बेनिफिट इज अ पॉजिटिव वैल्यू विच इज एडिंग समथिंग टू अ सोसाइटी और अ पर्सन और एडवांटेज ऑफ बींग पार्ट ऑफ द रिसर्च स्टडी किसी चीज से अगर कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है तो वो बेनिफिट है विच इज़ एडिंग सम पॉजिटिव वैल्यू इट माइट बी कंक्रीट फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लाइक अ ग्रेटर चांस ऑफ हैविंग अ गुड थेरापूटिक आउटकम जैसे एक मेडिकल का ट्रायल हम दे रहे हैं मेडिसन का ट्रायल हम दे रहे हैं एक क्लिनिकल इंटरवेंशन हम कर रहे हैं वहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है सिम्टम्स को देखते कि क्या ये कोई बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी का केस है या ये कोई डिप्रेशन का केस है क्या इसमें कोई साइकोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं या सिर्फ ये एलिवेटेड एग्जाइटी है तो मे बी वी कैन स्टार स्टार्ट विद वन बेसिक मेडिसन और उसके बाद हम उसकी एलिवेशन को देखते हुए बाद में उसके थैरेप्यूटिक आउटकम्स को देखते हुए उसको बाद में ट्रीटमेंट के साइड इफ़ेक्ट्स को देखते हुए उसको चेंज कर दें सो यू नो इट्स ऑलवेज बीइंग देयर कि हम उसके थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन के बेनिफिट की तरफ देखते हुए उसको कम या ज़्यादा करें Alternatively, it might be more intangible and general. So according to its being intangible and its generally conclusively fruitful, it -co, as a benefit consider karing. Now definition of risk is equally important as we see that benefit is important. So calculating the risk factor is also very important. रिस्क जेनरली आर इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द प्रोबिलिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एनी हार्म दैट माइट अकर अब वो हार्म साइकोलॉजिकल भी हो सकता है फिजिकल भी हो सकता है इकोनॉमिकल भी हो सकता है फाइनेंशियल भी हो सकता है रिस्क में ऑल्सो भी सोशल लीगल इकोनॉमिकल साइकोलॉजिकल और फिजिकल इन नेचर किसी भी तरह का कोई डैमेज इवन किसी की सोशल रिप्यूट को भी अगर डैमेज मिल रहा है तो वो भी हमारे रिस्क की कैटेगरी में फॉल करेगा वुड भी अपलाइड टू इंडिविजुअल सब्जेक्ट और ब्रॉडर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी समटाइम्स कुछ इस तरह की रिसर्चेज भी होती हैं जिसका रिस्क पूरी सोसाइटी को भी हो सकता है सो वी हैव टू सी दैट आइडर वी आर गोइंग टू डू दैट ट्रायल्स फॉर द होल सोसाइटी फॉर द होल नेशन और नॉट जैसे जब भी कोई वैक्सीन डिवेलप होती है तो उसके ट्रायल्स सबसे पहले अंडर डिवेलप कंट्रीज पर किए जाते हैं इसके ऊपर भी बहुत सारी एथिकल डिबेट्स है दैट आइडर इट इज़ एक्सेप्टेड कि हम आ, एक थोड़ी सी कॉस्ट अपनी सेव करने के लिए बड़े लेवल पर जो है वो हम ट्रायल्स करें सो so, इसके ऊपर स्टिल देर इज डिबेट गोइंग ऑन बट जब ये देखते हैं कि उसके रिस्क जो हैं वो कम हैं और बेनिफिट ज़्यादा हैं प्रोटेक्शन ज़्यादा है तो फिर उन रिसर्च को अलाउ कर दिया जाता है बैलेंसिंग द रिस्क एंड बेनिफिट रेशो सो यू सी देर कम्स अ पॉइंट मैन वी हैव टू असेस That कि the probability of harm relative to the probability of benefit should be determined, as well as the relevant magnitude of risk and possible benefits. And who is going to do that? This is the, of a, this is the work of a researcher to find out the difference between both and evaluate that cost very efficiently.

ड्यूरिंग द इंटरवेंशन ड्यूरिंग द थेरेपी ड्यूरिंग द काउंसलिंग सेशन वी गेट टू नो कि इस चीज़ के कोई साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं तो ऐट देट टाइम हम इसे पहले से हेड असेस नहीं कर सकते द रिस्क आर रिज्यूम बाई इंडिविजुअल्स वायल बेनिफिट में सोसाइटी एट लार्जर रादर दैन टू इंडिविजुअल्स ना दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू सी दैट अगर हम कुछ इंडिविजुअल्स को किसी रिस्क को एक्सपोज कर रहे हैं किंग द ऑल एथिकल गाइडलाइंस और उसके बेनिफिट्स जो हैं वो पूरी सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं तो मे बी दोज ह्यूमन सब्जेक्ट्स कोड भी एक्सपोज टू सर्टन कंडीशन इसमें बहुत सारी ट्रडिशनल रिसर्च हैं जो आपने फाउंडेशन ऑफ साइकोलॉजी में मिलगिनमनाश की रिसर्च में पढ़ी होंगी जम्बॉडो की रिसर्च में पढ़ी होंगी उनको अगर आप अपने जहन में रखते हुए एथिकल प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन को देखें तो ये बात आपके जहन में और भी वाजिया हो जाएगी

आजकल कुछ थेरेपीज आउट सीन भी होती हैं लेकिन ऑफिस थेरेपी इज स्टिल ट्रेडिशनली बीइंग वैल्यूड। कीपिंग केयरफुल नोट्स रिकॉर्ड्स, इंक्लूडिंग बिल फी कलेक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम इन सब का रिकॉर्ड रखें वेल डॉक्यूमेंटिंग डायग्नोसिस क्लाइंट रिस्क बिहेवियर एक्शंस टेकन क्लिनिकल रिएक्शंस टेकन रीजनस फॉर टर्मिनेशन एंड प्रोसेस एवरी थिंग शुड बी फुली फॉलोड तो किसी भी स्टेप पर एथिकल गाइडलाइंस को इग्नोर नहीं कर सकते अंडरमाइन नहीं कर सकते पार्टिसिपेंट विद इन वंस ओन कंफर्टेबल सफायर ऑफ कॉम्पिटेंस इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि अगर आपकी ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक चीज़ पर है सी पर है तो आप सी डिलीवर करें अगर वो बिहेवियर uh, के किसी खास डोमेन uh, को आप टैप करते हुए कोई एनालिसिस या कोई अपनी क्लिनिकल uh, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसे ही लॉन्च करें सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू Appropriate things according to your competence.